मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ द स्टैटिटिक्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिटिक्स। नाउ द वट आर द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिटिक्स। स्टैटिटिक्स की मेन इम्पॉर्टेंस क्या है? द फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो स्टैट्स है वो क्या करता है, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द सेंस व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, इसको वो सॉल्व करता है। स्टैटिकल मैथड प्ले अ वाइटर रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पैरिटीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एटसेट्रा। सेकेंड इज इंटर सेक्टरल कंपेरिजन। यू नो वेरी वेल वी हैव थ्री टाइप ऑफ सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो स्टैट्स होता है वो तीनों सेक्टर्स में कंपेयर करने के काम आता है कि हमारी GDP में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का या टर्शरी सेक्टर का। विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर इन द इकोनॉमी। एन इकोनॉमी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टू स्टडी द रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट आर वेरी हेल्पफुल। द थर्ड इज इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्टैट्स का यूज़ जो है इकोनॉमी के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो RBI सबसे पहले डाटा कलेक्ट करता है कि उसको क्या करना है, किस तरह से जो है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, किस तरह से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ को, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को हमें बनाना है। स्ट्रेटेटिक्स हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, एंड ऑल्सो इवेल्युएटिंग देयर इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइल फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, RBI टेक्स इन टू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट टू ऑन टोटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। If rate of interest increases, investment decreases. On the other hand, if rate of interest decreases, investment increases. तो means RBI जितनी भी पॉलिसी बनाता है या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उसके लिए सबसे पहले वो क्या करता है, मार्केट को एनालाइज करता है, उनके डाटा को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल टू रिसर्चर्स, स्कॉलर्स एंड द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल्स ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम अंडर डिफरेंट कंडीशंस कैन बी शोन बाय द रिसर्च स्कॉलर्स ओनली बाय ब्रेकिंग न्यूज ऑफ स्टैटिकल डाटा एंड स्टैटिकल मैथड। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग। जिस तरह से वेदर फॉरकास्टिंग होती है उसी तरह से इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग भी होती है। इकोनॉमिक डू फॉरकास्टिंग थ्रो स्टैटिकल स्टडीज बाय द टर्म ऑफ फॉरकास्टिंग। इट डजेंट मीन सम एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। It only mean to certain event which are economic significance. For example, studying the behavior of price level over several years, the economic can make statistical forecasting about the likely trend or pattern of the price level in the near future. Next is economic equilibrium. Economic equilibrium means where demand and supply both intersect each other at a particular point. Economic equilibrium is a state of balance for the producer or the consumer, where producer finds that his maximum profit and where consumer find his maximum satisfaction. It is through the use of statistical method that the economics have involved some of the economic fundamental in micro, we reach how producer and consumer both get maximum satisfaction. Next is limitation of stats. No doubt statistics is universally applicable. The science of stats has its own limitations. The first is statistics studies only quantitative facts. आपने previous video में देखा था, जो data होता है वो numeric form में express होता है, quantitative form में express होता है। इसमें qualitative expression नहीं होते, like honest, intelligent, poor, beautiful, etc. Second, statistics does not deal with individual. इंडिविजुअल को ये स्टडी नहीं करता है। इसके अंदर जितने भी डाटा होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स डील विद द एग्रीगेट नॉट विद इंडिविजुअल। इनविजिबल फिगर लाइक राम इज 170 सेंटीमीटर टॉल, श्याम मंथली इनकम इज 30,000, हैरी सिक्योर्ड 82 मार्क्स इन स्टैट्स, सो इट इज़ नॉट अ स्टैट्स बिकॉज डाटा आर नॉट होमोजीनियस। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आर ट्रू ओनली एन एवरेज स्टैटिकल।
इसका रिजल्ट तभी एक्यूरेट आता है जब इसमें एवरेज होता है. रिजल्ट ओनली शोज द एवरेज बिहेवियर, दे आर नॉट यूनिवर्सली ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 50, इट डजेंट मीन एवरेज स्टूडेंट ऑफ क्लास हैज सिक्योर्ड 50 मार्क्स. इट शोज जस्ट एवरेज. नेक्स्ट इज स्टैटिकल लॉ आर नॉट परफेक्टली एक्यूरेट. जो स्टैट्स होता है उसका लॉ जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, कि आपने बोला तो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया. आर्टिकल लॉज आर नॉट ओनली एग्जैक्ट एट दोज एंड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फैक्ट विच आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज फैक्टर्स इंडिविजुअली एज इज डन बाय एक्सपेरिमेंटल मैथड. स्टैटिक रिजल्ट आर टू परफेक्टली एक्यूरेट बट आर ओनली approximate. Next is statistics is only one of the method of studying a problem. Statistical method do not provide the best possible solution of a problem. Conclusion drawn with the help of these method must be supplemented by the other methods